नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया और आप देख रहे हैं वाईटी मीडिया। मैं हूं इस समय आलू मंडी सातनपुर फरुखाबाद में। पेश है मंडी अध्यक्ष रिंकू वर्मा से कुछ खास बातचीत। हमारे साथ हैं मंडी अध्यक्ष रिंकू वर्मा जी। मैं काफी दिनों से इनकी तलाश में था, आज बड़े दिन के बाद मिले हैं मुझे ये। आज मैं इनसे कुछ सवाल पूछता हूँ। अच्छा साहब, अभी मैंने एक कचड़े के ऊपर वीडियो बनाया था, मंडी में जो इतना कीचड़ होता है तो यहाँ पे जब पानी बरसता है तो बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाता है, इधर उधर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। व्यापारी को भी दिक्कत होती है और काश्तकार को भी दिक्कत होती है, आड़ती को भी दिक्कत होती है। तौलने की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कहाँ पे तौले, उसको जगह नहीं मिलती है। तो इसका कोई सलूशन हो सकता है क्या? 12 करोड़ 26 लाख रुपए सेंक्शन है हमारी मंडी का। अच्छा, विकास कार्य के लिए जी पूरी मंडी सीसी इंटरलॉकिंग होने जा रही है। जितने भी ये 2 आधुनिक सुलभ शौचालय हैं जी, 3 साइड की मरम्मत है, यूके आकार की नाली बनेगी, उसके लिए 12 करोड़ 26 लाख सेंक्शन है। वो काम लगने जा रहा है। अभी काम तो लग जाता अगर मंडी में आलू की आवक ना होती जी, तो काम अभी लग जाता। ये 1.5 महीने 2 महीने बाद आवक कम होगी, उसके बाद ही काम लगे जाएगी। और रहेगी मंडी की समस्या कीचड़ के बारे में जी, जब तक यहाँ खुला आलू आएगा जी, तो इसमें आलू में मिट्टी आती तो वो मिट्टी यहाँ पर रही जाएगी, तो बरसात होगी तो ये कीचड़ रहेगा। मैंने सर इसके ऊपर कम से कम 10-12-15 लोगों से इंटरव्यू लिया है और मैंने उसमें यही बोला था कि भाई ये कीचड़ की जो समस्या हो रही है मिट्टी की वजह से हो रही है। अब खुला आलू आता है, खुला आलू आता है तो उसमें ट्राली में 1-2 क्विंटल मिट्टी निकलती है, वो पड़ जाती है यहाँ पे। लोगों ने मुझे बताया इसके नीचे फर्श बनी हुई है, भले ही यहाँ पे ना हो लेकिन पीछे दुकानों के सामने जो है उसके नीचे फर्श है, वो फर्श सब दबी हुई है नीचे। तो देखिए मिट्टी उठने की बात रहेगी, मिट्टी तो अगर फर्श भी है तो मिट्टी तो जब ही उठ सकती है जब इतवार हो या सीजन के बाद। अच्छा, सीजन पे काम हो, काम के समय पे मिट्टी कैसे उठ सकती है? अब यहाँ पे ट्रालियां लगी हैं, कैसे मिट्टी उठ सकती है? नहीं उठ पाएगी। नहीं, अगर ये मैंने ये उनसे ये अपनी राय रखी थी कि अगर खुले आलू की बजाय अगर पैकेट बंद आलू आए यहाँ पे, और पैकेट बंद आलू आए और वैसे ही उठ जाए, मिट्टी नहीं गिरेगी यहाँ पे। प्रयास किया था इस बार करीब 1.5 महीने हमारे बोरा पैकेट से ही आलू बिका है। हम तो चाहते पैकेट से बिकने लगे, और अच्छी बात है, यहाँ पे किसान का माल भी सुरक्षित रहेगा, पैकेट में नहीं बिक रहा है उसका वो अपना रखा रहेगा, दूसरे दिन बिक जाएगा। मेरी शुरुआत में आपसे बात हुई भी थी लेकिन वो कैमरे पे बात नहीं हुई थी, आपने बताया भी थी कि शायद कि कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के पैकेट बंदी आलू बिके। पैकेट बंदी से बिकना भी चाहिए और प्रयास अगली बार फिर करेंगे। खुला ऑक्शन आलू यहाँ पे इसलिए बिकता है, यहाँ पे पैकिंग जहाँ की जो मंडियाँ हैं बाहर की, जहाँ से जो जैसी डिमांड आती है वैसी पैकिंग आदमी करा लेता है, इसलिए ये ऑक्शन मंडी। अच्छा, लोगों ने भी यही बताया कि यहाँ पे अलग अलग मंडियों में अलग अलग तुलाई होकर जाती है, कोई 50 किलो कहीं जाता है, कहीं 48 किलो जाता है। कल मैंने देखा कि 45 किलो का पैकेट भरा जा रहा था, बोले साउथ जाएगा, रहती है वही वैसा ही पैकिंग हो जाता है। तो फिर एशिया की ये सबसे बड़ी मंडी है, इसमें सबसे बड़ी आराम तो ये है, आपने अगर किसी भी पैकिंग का अगर आलू मांगा है, किसी स्टेट ने मांगा है, तो यहाँ 1 घंटे के अंदर उसकी गाड़ी निकल सकती है, ये मंडी ऐसी है। अच्छा, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है ये। हाँ, कल मैंने देखा 45 किलो की तुलाई हो रही थी, कि मैंने 45 किलो की पैकिंग देखी नहीं थी, तो मैंने पूछा उनसे कि भाई ये 45 किलो कहाँ जाएगा, तो बोले साउथ जाएगा ये 45 किलो। तो हमने कहा कि 48 किलो 47 किलो स्टेटों की जहाँ जिसकी डिमांड होती है वैसे ही यहाँ पे पैकिंग। तो फिर उसका क्या होगा, जब अगर पैकेट बंद आलू बिकेगा तो फिर उस पैकिंग का क्या होगा? उस पैकिंग को यहाँ दोबारा से जो खरीदेगा परचेज करेगा वो बनवा सकता है अपना। और पूरी मंडी जब सीसी होने जा रही है तो फिर तो मिट्टी की समस्या बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये इसका बजट सेंक्शन हो चुका है 12 करोड़ 26 लाख सेंक्शन। अच्छा, तो ये काम कब से? काम तो वो अभी से हो जाए, ठेकेदार तैयार है, सब काम तैयार है, अगर वही मंडी में आवक है, आवक की वजह से अभी काम नहीं लग सकता है। अच्छा, तो ये मतलब मेरे ख्याल से मई जून में ही संभव हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि भाई आप लोग बोलते नहीं हो कि टीन सेट भी बहुत टूटा हुआ है और ऐसा है, तो ये रिंकू वर्मा जी ने बताया है कि 12 करोड़ कितना बताया आपने? 26 लाख। 12 करोड़ 26 लाख रुपए मंडी के लिए सेंक्शन हो चुका है। सेंक्शन हुए उसकी मेरे पास लिस्ट है, चाहो तो आप देख सकते हो। अच्छा, तो ये 12 करोड़ 26 लाख रुपए सेंक्शन हो चुका है, जो मंडी के रखरखाव के लिए और मंडी की जो टूट फूट मरम्मत के लिए खर्चा किया जाएगा, जो थोड़े ही दिन में जैसे ही आलू की आवक खत्म होगी और ये काम शुरुआत हो जाएगा, ऐसा ही है ना रिंकू जी? जी ठीक है साहब, धन्यवाद।